ये शालू कितनी लाउड है ना। क्या नमन, प्लीज आज मूड नहीं है। तो मैं मूड बना देता हूँ। नमन प्लीज, इनफ, स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। कम ऑन, से इट ना। सुनना चाहते हो तो सुनो, आज तक तुमने मुझे कभी सैटिस्फाई नहीं किया, ना सेक्सुअली और ना फाइनेंशियली। अब या तो तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या तुम बहुत डम हो नमन। सगे भाई से भी बढ़ के माना था मैंने तुझे। सॉरी नमन, मुझे पता है कि मुझे तेरी वाइफ से दूरी बना के रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करता, मुझे टीना का दर्द देखा नहीं गया। नमन, टीना ने ही मुझे बताया है कि तू उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा था। I've always been your good friend, नमन। मैंने तुझे जॉब दिलवाई, रहने को अपना घर दिया, तेरी वाइफ का भी ख्याल मैं रखूंगा। सोच, टीना अगर मेरे बदले किसी और के साथ गई होती तो कैसा फील होता। तेरी वाइफ की इज्जत मेरे हाथ में है नमन, इसलिए घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। तुम भी ना एक दिन मेरी जान निकाल के ही मानोगे। क्या? क्या नहीं, क्यों? तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? स्टॉप इट, वो लोग आते ही होंगे। अब इतनी हॉटनेस का मैं क्या करूं? I can't stop it. लगता है वो आ गए। इनको भी अभी आना था। नमन, how are you man? सफर कैसा रहा? शालू, ये नमन है, मेरी लाइफ का सबसे पहला फ्रेंड और मेरे स्कूल का बेस्ट फ्रेंड। हाय। हेलो। और तुम्हें पता है, हम फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक एक दूसरे के साथ पढ़े। आहा, इंटरेस्टिंग। और ये इसकी वाइफ टीना है। हाय टीना। प्लीज कम इन। कम इन गाइस। झांसी में पिछले 6 महीने से परेशान हो रहा था यार, लेकिन कोई ढंग का जॉब ही नहीं मिला था। लेकिन यार ग्वालियर में तुमने अपनी कंपनी में न सिर्फ मुझे जॉब दिया बल्कि रहने को घर भी दिया यार, थैंक्स अ लॉट। अरे ये सब बोलकर एम्बैरस मत करना मन। वैसे भाभी, घर काफी अच्छा डेकोरेट किया आपने। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ना घर डेकोरेट करना मेरी हॉबी है। टीना, व्हाट आर योर हॉबीज? आई लव आर्टिफैक्ट्स। पर क्या करूं, बंजारों जैसी जिंदगी है, ले भी लूं तो रखूं कहां। अरे पर ये भी तो आप ही का घर है। एनीवेज, नमन मैं कल तुझे ऑफिस की फाइल दे दूंगा, ओके? टेंशन मत ले, समोसा खा। लीजिए। शाम को बकवास करने की क्या जरूरत थी तुम्हें?
यू नो शालू और विनीत कितना अनकंफर्टेबल हो गए थे। लोगों को सच सुनने की गट नहीं होती थी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या यार? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी। 2 साल हो गए नमन हमारी शादी हुए, पर हम 2-3 महीने से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। लाइफ में स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज होती है या नहीं? I'm just fed up. I know I fucked up. मेरी वजह से मेरा शोरूम बंद हो गया। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। वैसे तुमने बताया नहीं कल रात का मेरा परफॉर्मेंस कैसा था? Very impressive. इतना impressive कि अब वो परफॉर्मेंस मैं को फील करना चाहती हूँ। हेलो। हाँ शालू, बोलो ना। विनीत, कहाँ हो तुम और अभी तक घर क्यों नहीं आए? अरे क्यों? तुम भूल गए हो क्या? मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था ना, आज रजनी दीदी के घर जाना है, उनके यहाँ हाउस वार्मिंग की पार्टी है। I'm really sorry यार, वो बात मेरे दिमाग से एकदम निकल गई यार। ओफो, अच्छा ठीक है, अभी ये बताओ घर आने में कितना टाइम लगेगा? एक्चुअली मैं अभी ना थोड़ी इंस्पेक्शन पे आया हूँ, तो घर आते आते रात हो जाएगी यार। विनीत तुम हर बार ऐसा करते हो जब भी मेरी फैमिली का कोई फंक्शन होता है। ओ प्लीज यार, अब तुम फिर से ना शुरू मत हो जाओ। ठीक है, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। बाय बाय। 3 हाँ मैं जा रही थी, प्लीज दरवाजा बंद कर लोगे? श्योर। बाय बाय, एंजॉय।
टीना पूछा कल करे सो आज करे सो अब। मतलब? मतलब जो काम बाद में करना है उसे हम अभी कर लेते। मेरी लाइफ के दो ही पिलर थे, एक मेरी वाइफ और एक मेरे दोस्त, दोनों एक हो गए। सो दे कुड बैकस्टेप मी। क्या किसी को धोखा देना इतना आसान होता है? ये शालू कितनी लाउड है ना, क्या नमन प्लीज आज मूड नहीं है। तो मैं मूड बना देता हूँ। नमन प्लीज इनफ, स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। कम ऑन से इट ना। सुनना चाहते हो तो सुनो, आज तक तुमने मुझे कभी सैटिस्फाई नहीं किया, ना सेक्सुअली और ना फाइनेंशियली। अब या तो तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या तुम बहुत डम हो नमन। सगे भाई से भी बढ़ के माना था मैंने तुझे। I'm sorry नमन, मुझे पता है कि मुझे तेरी वाइफ से दूरी बना के रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करता, मुझे टीना का दर्द देखा नहीं गया। नमन, टीना ने ही मुझे बताया है कि तू उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा था। I've always been your good friend नमन, मैंने तुझे जॉब दिलवाई, रहने को अपना घर दिया, तेरी वाइफ का भी ख्याल मैं रखूंगा। सोच टीना अगर मेरे बदले किसी और के साथ गई होती तो कैसा फील होता। तेरी वाइफ की इज्जत मेरे हाथ में है नमन, इसलिए घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। क्या कर रही हो टीना? शालू आ जाएगी। So what? आने दो। I don't care। तुम होश में तो हो? क्या बात कर रही हो तुम? You know, baby, मैंने कल बहुत सोचा और मुझे लगता है कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। Let's get married, baby. Are you serious? What do you mean let's get married? ऐसे क्यों बोल रहे हो? I need you. Just listen to me very carefully, Tina. मैं तुम्हारी वजह से अपनी मैरिड लाइफ बर्बाद नहीं होने दे सकता। Just get this thing very clear. बोलो। आज रात मैं ऑफिस में रहूंगा, कुछ काम है। ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने मॉर्निंग में तुमसे कुछ ज्यादा ही रूड बात की। मुझे तुमसे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे करनी है टीना। इस स्लीपिंग पिल से इसे शालू के दूध के गिलास में मिला था।
फिर हम आसानी से बात कर पाएंगे। शालू, ये लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लाई। अब थीना, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती? अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। एक औरत से मन नहीं भरता, बड़ी हो मुझे ना अब दिखाएगी। हाँ प्लीज स्टॉप इट, छोड़ मुझे। प्लीज स्टॉप इट विनीत, प्लीज हेल्प मी विनीत। ना छोड़ो से वो मर जाएगी, ना छोड़ो से वो मर जाएगी। तुम क्या करो? विनीत, लीवर, छोड़ो से। शराब पीना, दस शराब। मुझे कुछ सोचने दो। सोचने के लिए कुछ नहीं है तेरी इतनी। मैं कुछ सोचता हूँ टीना। रुक, दरवाजा खोल। अरे देखिए। Listen to me टीना, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? शालू, 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 she is gone. तुम मत कहो। I didn't mean to kill her. मुझे उसे मारना नहीं था, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मेरी इना कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा साले? जाके बेडशीट लेके आ। मैं इस क्राइम में तुम्हारे साथ नहीं दूंगा। क्या बोला तू? हाँ? क्या बोला? सुन, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू नल्ला ना होता ना, तो टीना मेरे पास नहीं आती और शालू जिंदा होती। Shut up, you bloody murderer! तू वही करेगा जो मैं तुझे बोलूंगा, because you owe me so much. बहुत कुछ किया तेरे लिए मैंने जिंदगी में, और अगर तूने नहीं किया तो I'll deny you for profit. समझा? My soul is tainted now. और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। I think I will join them.
वहां जाके मैं टीना और विनीत से पूछूंगा कि उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया, मैंने क्या गलती की है।